कि हनुमान जी को पटाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों द्वारा कि हनुमान के काम करो, किसी न किसी पार्टी के पट जाएगा, सारा मेरा नाम नहीं लिया, कहीं ले लेते तो मेरे को और बर्बाद कर देते। तो ये कहा, वो तो सही कहा, जो आपके शाहपुरा की घोषणा करता हूँ कि मेरा जिला बन गया, वारंट निकाले और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले, ये सशक्तियों का युद्ध है, ये नहीं राजस्थान के अंदर मिला जुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत की मदद कर रही है, गहलोत वसुंधरा की मदद कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार तो वसुंधरा जी ने बचाई, अच्छा रहा मेरा नाम नहीं लिया, कहीं ले लेते तो मेरे को और बर्बाद कर देते। तो ये कहा, वो तो सही कहा जो मन में होता आदमी के, कहा मेरी सरकार जब गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। विधानसभा में जब जिले बन रहे थे तो हमारे शाहपुरा से कैलाश जी मेघवाल अशोक जी के नज़दीकी हैं, बीजेपी में, लेकिन विवाह के बाद कह देते हैं। तो जब जिलों की घोषणा कर रहे थे सीएम, तो कैलाश जी की नज़र नहीं पड़ी, तो सीएम ने दो तीन बार कहा, अरे सुनो सुनो कैलाश जी सुनो, आपके शाहपुरा की घोषणा करता हूँ कि मेरा जिला बन गया। तो अब आप ये बताओ, इससे ज़्यादा मिलाजुली का खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ओबलाइज करना हो तो कर दो, काम कर रहा तो कर दो। अभी काम तो मेरे भी हुए 4-6 महीने में, हुए क्यों? इसलिए हुए कि हनुमान जी को पटाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों द्वारा कि हनुमान के काम करो, किसी न किसी पार्टी के पट जाएगा और उसके गठबंधन कर लेगा। इसलिए जो भी कागज दिल्ली जाता ये सो जाता, राजस्थान सरकार में जाता ये सो के आ जाता। मैं नहीं गया, मेरा कागज जाता था, मैं जाता तो यहाँ कैसे खड़ा रहता फिर बताओ, मैं गठबंधन कर लेता, कौन मना करा? NDA और दूसरा तथा कथित INDIA दो है देश के अंदर, दो दड़ों में देश की राजनीति बटी हुई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की नई RLP पार्टी दोनों दड़ों के साथ नहीं है, वो अकेले किसान की जय जयकार कर रहा है लोकसभा के अंदर और राजस्थान की विधानसभा के अंदर। मैं गठबंधन की बात भी करता हूँ उन दलों के लिए करता हूँ जो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शोषित पीड़ित तबके की बात करते हैं, उनसे गठबंधन की मैं बात करता हूँ, मैं सबके नाम लेता हूँ, लेकिन मेरी पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। लेते हैं दूसरे नेता? नहीं लेते, मैं लेता हूँ क्योंकि मेरा मन बड़ा है। जो नाम नहीं ले रहे हैं उनको तो यहाँ दुकान चला के वापिस भाग छूटना है, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं, मुझे ये रहना आपके बीच। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार बड़ा बने कांग्रेस BJP को हराने के लिए, और ताकतें जुटे राजस्थान के अंदर। जिस तरह 18 के अंदर 80 लाख वोट आया था, मैं चाहता हूँ कि इस बार वो वोट 1.5 करोड़ से ज़्यादा आए। 4 करोड़ वोट पोल होगा और 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस BJP के खिलाफ जाता है तो हंग असेंबली आएगी, सरकार किसी की नहीं बनेगी, और जब किसी की नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? RLP की, और RLP के बिना नहीं बनेगी। एक पत्रकार मुझे पूछ रहा था कि अगर सपोज करोगे आपके बिना सरकार नहीं बने, तो मैंने कहा सपोज किया हुआ ही है, हमारे बिना नहीं बने तो या तो वापस चुनाव होंगे और या हम खुद ही सत्ता के अंदर होंगे, तो तय है उसमें क्या पूछना है। कि सपोज करो कि आपके बिना नहीं हो तो खुद ही सत्ता में मेरे भाई, और नहीं है वापिस चुनाव आ जाओ, रथ यात्रा वापिस चालू करा देंगे। तो बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा किसी न किसी को, और लड़ाई अगर हमारे से पहले वाले लड़ लेते, अगर दलाली में अपना समय व्यतीत नहीं करते, सुखाड़िया थूकता था उसका थूक मुट्ठी में ले लेते थे, हरदेव जोशी उसका थूक, और यहाँ करते थे बड़ी बड़ी बातें कि हम किसानों के नेता हैं, और वहाँ कोई तो धोती धुला के लाता था जोशी की, कोई सुखाड़िया का थूक अपने हथेली में लेता था, और यहाँ बात करते थे हम किसानों के नेता, मैंने सबको देखा हुआ है। और यहाँ बात करते थे कि कुर्सी उठा फेंक दी, अरे कुर्सी बिल्डिंग होती है विधानसभा लोकसभा, पता है कि नहीं तुम्हारे को, उठा के नहीं फेंकी जाती कुर्सी, उठा के फेंकी नहीं जाती। इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर सस्पेंड हुआ कोई, वो हनुमान बेनीवाल हो, तो 5 बार निलंबित हुआ। कितनी बार? 5 बार निलंबित हुआ हूँ, कोई नहीं मेरे जितना निलंबित। और किस लिए हुआ हूँ? आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा ही हुआ हूँ। मैंने थोड़े कहा मेरे प्लॉट दे दो या मेरे मकान दे दो, मेरे को एजेंसी दे दो, इसलिए नहीं। लड़ते हुए जवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हुए मुझे सजा भी हुई थी, ईश्वर की कृपा थी। वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, बोले मैं इसको MLA बनने लायक ही नहीं छोड़ूंगी, लेकिन धरती पर अच्छे लोग भी हैं। बरी हो गया, वापिस विधायक बन गया, सांसद बन गया, आपके बीच हूँ, और आपकी कृपा से और विधायक तैयार कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल का फोटो लगा के राजस्थान में नेता बन रहे।
अगर राजस्थान में नए नेता बनाने की फैक्ट्री कोई है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो नए नेता तैयार करती है राजस्थान के अंदर है। भाइयों कांग्रेस बीजेपी में कोई नए नेता तैयार भी हो जाते हैं उनकी नज़र लग जाती है, नए होते जरूर हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार और सिस्टम है उसके अंदर उड़ जाते हैं, उसी में रह जाते हैं फिर घूम कर फिर घर चले जाते हैं। हाँ एक चीज़ होता है पेंशन हो जाती है उनकी एक बार, लेकिन मेरी तो अगर सरकार आ गई तो मैं पेंशन पर भी विचार करूँगा, ये फालतू की पेंशन भी क्यों जाए ज़्यादा, उस पर भी चेक करो पेंशन के लायक है कि नहीं, चेक करो कि वास्तव में गरीब है पेंशन नहीं है हटाओ, क्या मतलब है यार ऐसे, कोई कैसे बन गया, कोई समीकरण से बन गया, कोई लोग किसी को हराने के लिए जिता देते हैं, अपने आप को नेता समझ लेते हैं गलतफहमी हम नेता हैं, अरे नेता नहीं हो, लोगों को जिताना था जीता दिया, किसी का बल निकालने के तुम्हें जिता दिया, ऐसा है राजस्थान में कई चीटों पर, गलतफहमी का तो ये कीटाणु हर किसी का आ जाता है वो फिर मिटता नहीं है वो आने के बाद। इसलिए भाइयों मैं इतना ही आह्वान आपको करूँगा सत्ता संकल्प के माध्यम से हनुमान बेनीवाल राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को निकला है, समय कम है, 30 तारीख से राजस्थान में नॉमिनेशन भरे जाएंगे, 29 तारीख है अभी तो, कल नागौर है, शेखावटी में जाऊँगा, बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर, फिर मेवाड़ की तरफ जाऊँगा, जयपुर, कई जगह सभाएं होगी, कई जगह रोड शो होगा, सब जगह टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा रथ किसान, किसानों का, धरती पुत्रों का रथ, आरपी का रथ, कोशिश करूंगा कि राजस्थान के 70-75% इलाके में चला जाए आपके बीच, ये मैं प्रयास करूंगा। और ये सही है कि रथ जहां भी जा रहा है, जिस तरह जालौर पाली बाड़मेर के अंदर सर्व समाज का समर्थन मिला, जिस तरह देवासी समाज का पाली जिले के अंदर, राजपुरोही समाज का, सिरवी समाज का जहाँ ज़्यादा संख्या के अंदर है, इधर का नहीं कह रहा हूँ मैं, पटेल समाज, प्रजापत समाज, उन्होंने कहा, जड़वा समाज, आंजना, आप आगे बढ़े हम आपके साथ हैं, हनुमान जी लड़ाई लड़ें, और मैं भाइयों विश्वास दिला लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और कटोरा लेके भी नहीं घूम रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता कि अभी तक 100 रुपये की चंदे की रसीद कहीं देखी है क्या अपने, आरएलपी के चंदे की रसीद तो कितनी बड़ी बात बताओ, इससे बड़ा कोई ईमानदार हो सकता है देश के अंदर? अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो ईडी जिस तरह ज्योति मिर्जा के ससुराल पहुंची मेरे घर भी आ सकती थी, जिस तरह बाई तोड़े एमएलए के ससुराल पहुंची मेरे घर भी आ सकती थी, इसलिए तो डगमग डगमग हो गया कि ज्वाइन करें कि नहीं करें, यूं ऐसे हो रहा। ईडी छोड़ो, मेरे तो टीडी भी नहीं आई थी उस समय, डर से बाढ़ में से रास्ता बदल लिया था टीडी का, मैं गया था उस समय, मैं ही गया था लड़ने के लिए भाई, मुआवजी घोषणा पीएम से कराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है, ये सही है, ये जो दूसरी पंक्ति के नेता बैठे हैं यहाँ पे